चाहे आप अभी एक टीनेजर हो, अपने 20s में हो या इवन आप खुद एक पेरेंट हो, आपको ये समझना चाहिए कि पेरेंटिंग सबसे मुश्किल कामों में से एक है। छोटी से छोटी गलती भी एक इंसान की लाइफ को बहुत मुश्किल बना सकती है। और तभी आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पेरेंट्स की कौन सी गलतियाँ हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए हार्मफुल होती हैं और ये गलतियाँ किस रूप में बाहर आती हैं। नंबर 7, अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना और खुद को उनसे कम समझना। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है लो सेल्फ एस्टीम की वजह से, जब पेरेंट्स अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों से कंपेयर करते हैं और उनकी अचीवमेंट्स को ज्यादा बढ़ावा देते हैं बजाय अपने बच्चे को मोटिवेट करने के, या फिर वो अपने सिर्फ एक बच्चे पर ज्यादा फोकस करते हैं और दूसरों पर कम। इस वजह से ये बच्चा सोचता है कि शायद उसका पेरेंट उसे प्यार और अटेंशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसमें कोई कमी है, और इस सोच के साथ वो काफी सेल्फ क्रिटिकल बन जाता है और चाहे वो जितना भी अचीव कर ले उसे हमेशा यही लगता है कि वो यूजलेस है। नंबर 6, दूसरों पर रिलाय करना। ये प्रॉब्लम उन लोगों में आती है जिनके पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं और जो अपने बच्चों को खुद कोई काम नहीं करने देते। फ्रीडम की कमी होने की वजह से ऐसे बच्चे काफी इर्रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके पेरेंट्स ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया ही नहीं होता। इस टाइप के पेरेंट्स खुद भी साइकोलॉजिकली अब्यूज्ड होते हैं और जाने अनजाने में वो अपने बच्चों को भी अब्यूज कर देते हैं उनसे उनकी इंडिपेंडेंस छीन कर। यूजुअली अपने बचपन में अटेंशन और प्यार की कमी की वजह से ये पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक बन जाते हैं और इन्हें कॉन्स्टेंट वैलिडेशन, अटेंशन और अपनी तारीफें चाहिए होती हैं। इन्हें सबकॉन्शियसली ये पता होता है कि अगर इनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए तो वो इनसे दूर चले जाएंगे और इन्हें कॉन्स्टेंट अटेंशन नहीं मिलेगी। इसी वजह से इस तरह की पेरेंटिंग करने से एक बच्चा बड़े होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है और हमेशा अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करता है। नंबर 5, एडिक्शन। एक काफी पॉपुलर कैनेडियन फिजिशियन जिनका नाम गबोर माते है, उन्होंने अपनी बुक इन द रेलम ऑफ हंग्री गोस्ट्स में लिखा है कि किस तरह से एडिक्शन का सोर्स हमारे जीन्स या एनवायरनमेंट नहीं बल्कि हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। उनके हिसाब से कोई भी सब्सटेंस अपने आप में एडिक्टिव नहीं होता बल्कि वो हमारी पर्सनैलिटी होती है जो अपने खालीपन को इन चीजों से भरने की कोशिश करती है, यानी चाहे वो एल्कोहल हो, वीड या कोई हार्ड ड्रग। हर सब्सटेंस को जब अब्यूज करा जाता है तब वो उस एडिक्ट के लिए एक पेन किलर का काम करता है। ये इसलिए क्योंकि फिजिकल पेन और इमोशनल पेन दोनों से जुड़ी सफरिंग हमारे दिमाग के सेम हिस्सों को ही एक्टिवेट करती है। सो जब भी कोई इंसान अपने बचपन में इमोशनल रिजेक्शन फील करता है तब उसके दिमाग का वही पार्ट एक्टिवेट होता है जो तब एक्टिवेट होता जब उसे चाकू मारा जाता। तभी गबोर बोलते हैं कि हर एडिक्शन दर्द को कम करने की कोशिश होती है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को ये नहीं फील करा रहे कि उसके माँ बाप उसकी परवाह करते हैं तो वो बच्चा बड़े होते होते कई तरह की एडिक्शन डेवलप कर सकता है जो तब तक दूर नहीं होंगी जब तक वो अपने बचपन के ट्रॉमा को फेस नहीं करता और उसे वैसा ही प्यार दोबारा नहीं मिल जाता। नंबर 4, किसी से ढंग से बात ना कर पाना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कन्वर्सेशनल स्किल्स की, यानी जब कई पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं और उनके बिहाफ पर ही दूसरों को जवाब देते हैं तब वो बच्चा खुद एक कन्वर्सेशन होल्ड करना नहीं सीख पाता। जैसे जब एक बच्चे से कोई इंसान उसका नाम या उसकी क्लास पूछता है और उस बच्चे के आंसर करने से पहले ही उसके पेरेंट्स बिना कुछ सोचे समझे खुद आंसर कर देते हैं, इस वजह से कई बार बच्चों का जवाब उनके मुंह में ही अटक जाता है और वो कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाते। यही रीजन है कि क्यों बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने आंसर्स खुद दें और एक कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना सीखें। नंबर 3, हर समय गिल्टी और शेमफुल महसूस करना। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप होती है जब पेरेंट्स अपने बच्चे के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं और उसके बावजूद भी उनका बच्चा ढंग से बिहेव नहीं कर रहा। इस तरह से किसी बच्चे को डांटते हुए ये बोलना कि आपने उसके लिए बहुत कुछ करा है पर फिर भी वो गुड इनफ नहीं है, ये सुनकर बच्चे का दिमाग गिल्ट और माँ बाप के सैक्रिफाइसेस के बोझ से भर जाता है। वो बच्चा सोचने लगता है कि वो दुनिया की कोई भी अच्छी चीज डिजर्व नहीं करता और उसके माँ बाप उसे इसलिए अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि वो एक फेलियर है। इसलिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए शेम या गिल्ट को यूज करना गलत है। इसके बजाय उन्हें दोबारा कोशिश करने के लिए एनकरेज करना
और अपनी गलतियों से कैसे सीखना है ये समझाना चाहिए। नंबर टू, कभी भी रिलैक्स ना कर पाना। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को काफी छोटी उम्र में ही ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर खेलने में ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं और पढ़ाई में कम। बच्चों को टाइम से पहले ये बोल दिया जाता है कि उन्हें अपना बचपना कम कर देना चाहिए, और यही बच्चे बड़े होने पर इमेच्योर और आलसी लोगों को हेट करते हैं और खुद को आराम करने से रोकते हैं। इवन अगर वो जरा सा आलस भी फील करते हैं तो उनके अंदर गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि उन्हें फिर से अपने आप को किसी काम में बिजी करना पड़ता है ताकि वो यूजलेस ना फील करें। नंबर वन, अपने ऑपोजिट जेंडर पेरेंट जैसा पार्टनर ढूंढना। रिसर्चर्स ने ये पैटर्न कई जानवरों की स्पीशीज में देखा है, जिसमें कई तरह की बर्ड्स, फिशेस और मैमल्स ऐसे मेट्स प्रेफर करते हैं जो उनके पेरेंट्स के जैसे होते हैं। हाउएवर, ये फ्रॉइड के एडिपस कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है, क्योंकि फ्रॉइड का मानना था कि हमारे अंदर बचपन से ही अपने पेरेंट्स के लिए एक सप्रेस्ड डिजायर होती है। पर एक्चुअल रिसर्च बताती है कि ये बिहेवियर तब डेवलप होता है जब एक इंसान को बचपन में इनकंसिस्टेंटली अटेंशन दी जाती है। यानी कभी एक पेरेंट आपको प्यार करता है, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराता है, और दूसरे ही पल वो गायब हो जाता है या फिर आपको डांटने लग जाता है। इस तरह की अटैचमेंट एक बच्चे को हर समय अपने उस पेरेंट की वैलिडेशन लेने के लिए बोलती है। इवन बड़े होने के बाद भी ये बच्चे सिर्फ एक तरह के अटैचमेंट स्टाइल से ही फेमिलियर होते हैं, यानी अपने पेरेंट की वैलिडेशन लेने से। यही रीजन है कि क्यों इस तरह के ट्रॉमाटाइज लोग अपने पेरेंट्स जैसे पार्टनर्स को ढूंढते हैं, ताकि वो ये फील कर पाएं कि फाइनली उन्हें अपने पेरेंट का मिसिंग प्यार मिल गया है।